हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नेहा शर्मा। आज है एकादशी का फास्ट, तो मैं अपने मम्मा को सरप्राइज़ देने की कोशिश कर रही हूँ। उनका है फास्ट, तो आज मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़। ये आप देख सकते हैं, घी हमने गर्म होने रख दिया है, आलू कट चुके हैं ऑलमोस्ट फ्रेंच फ्राइज़ के लिए। ये हो चुके हैं रेडी। आप ऐसे पतले पतले पीस में आप आलू कट कर लेंगे। ये मेरे बड़े ब्रदर ये मेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बहुत इजी होते हैं बनाने और फास्ट में इन्हें खाते भी हैं आलू को। आप जब घी आपका गर्म हो रहा होगा, आप उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल सकते हैं फास्ट का, जिससे आलू फीके नहीं रहेंगे, उसमें थोड़ा सा नमक का टेस्ट आ जाएगा, जिससे वो खाने में और टेस्टी लगते हैं। तो मैं नमक डाल चुकी हूँ, आपने देखा पहले, और अभी मैंने आलू भी डाल दिए हैं। जब आपको लगे आप 2-3 बार आलू कढ़ाई में डाल के निकाल चुके हैं, तो आप उसके बाद फिर थोड़ा सा और नमक डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं ब्राउन होने लगे हैं, बस थोड़ी सी देर और फिर देखते हैं मम्मा के एक्सप्रेशंस। ये हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। आप इन्हें कढ़ाई में जब तक रखें जब तक ये ब्राउन होते हैं। आप देखो सारे ब्राउन हैं, देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। मम्मा के एक्सप्रेशंस देखते हैं, लेट्स गो। मेरे पास है, आप देख सकते हो रेडी हो चुका है। चलो देखते हैं मम्मी के एक्सप्रेशंस। चलो चलते हैं। ये रही हमारी मम्मी जी। ये लो मामा, आपके लिए कुछ बनाया है। वाओ, क्या है बताओ? ये फ्रेंच फ्राइज। आज आपका फास्ट है ना एकादशी का? एकादशी का फास्ट है तो देखो। एकादशी में खाते हैं। हाँ, तो मैंने ये फास्ट वाला जो नमक होता है, क्या नमक बोलते हैं उसको, सेंधा नमक, मैंने वो डाल के बनाया है ये आपके लिए स्पेशल। और ये दही है, मैंने इसमें जीरा नमक कुछ नहीं डाला है, तो आप इसे फास्ट में खा सकते हो। ये सरप्राइज आपके लिए। कैसा लगा आपको सरप्राइज? अरे हमने तो खाना भी शुरू कर दिया, लग रहा है भूख लग रही थी। चलो ठीक है, खाओ, एंजॉय। थोड़ा आशीर्वाद हमें भी दे देना, ठीक है। थैंक यू। वेलकम।